हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलेटिन कलर पॉप मैट लिपस्टिक की रिव्यू। तो मैंने इसे लोकल शॉप से ख़रीदा है और एक मैंने नायका से ऑर्डर किया था, वो सेकंड वाले मुझे मिल नहीं रहा है। उसका कलर पिंक था और ये कुछ ऑरेंज कलर टाइप में है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। और इसकी पैकेजिंग कुछ ब्लैक कलर की पैकेजिंग है और इसके ऊपर एक गर्ल की फ़ोटो है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एलेटिन के प्रोडक्ट में। मुझे ये पिक्चर्स जो होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं इसका। तो ये है 4.3 ग्राम की प्रोडक्ट है जो मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी। मैंने नायका से ऑर्डर किया था तो वो मुझे 85 रुपीज़ में मिली थी, क्योंकि उस समय डिस्काउंट चल रहा था। तो सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिली है और इसकी शेड कुछ P29 शेड है और ये हल्का ऑरेंज टाइप में इसकी शेड है जो बहुत अच्छी लगती है। और ये मैट इस पर लिखा हुआ है बट ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है, ये होठों पे लगाने पे थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देता है। चलिए मैं इसे लगा के अपने होठों पे दिखाती हूँ। मैंने लाइनर लगाया हुआ है क्योंकि ये लगती है 2-3 घंटे तक आपके होठों पे अच्छे से रहती है। चलिए मैं इसे लगा के दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा है, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा सही होगा। ये मैच लिखा हुआ है बट ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देता है। तो मैं इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए पहले मैं लाइनर लगाती हूँ अपने लिप्स पे, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो ये बहुत 7-8 घंटे तक आराम से चल जाता है और लाइनर नहीं लगाने पर ये 2-3 घंटे तक ही चल पाता है। तो मैं इसे लाइनर लगा के यूज़ करती हूँ। अगर आपको ऑफिस कॉलेज के लिए अगर यूज़ करना है तो आप इसकी 1-2 लेयर आप लगा सकते हो। ये एक लेयर में बहुत ही पतली लेयर लगती है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, इसलिए आप इसकी 2 लेयर लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप पार्टी वेयर में जाते हैं तो इसकी 3-4 लेयर आपको लगानी होगी, तब ये पार्टी के लिए बहुत हैवी लुक देगा, तो बहुत ही सही होता है। तो मैं ऑफिस जाती हूँ तो 1-2 लेयर इसकी लगा के जाती हूँ जो बहुत सही होता है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने इसकी 3-4 लेयर लगा ली है और आप देख सकते हैं ये पार्टी के लिए बहुत सही है। 1-2 लेयर लगाएंगे तो ये कॉलेज ऑफिस के लिए बहुत सही है। इसे आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 और 2 लेयर लगाते हैं तो ये नॉर्मल डेली वेज के लिए है, और इसकी 4-5 लेयर अगर आप लगाते हो तो ये पार्टी के लिए है, तो ये दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी मैंने एक पिंक कलर की शेड ली थी जो मैंने नायका से ऑर्डर करके परचेज़ किया था, तो वो शेड अभी मुझे मिल नहीं रही है। एक्चुअली पता नहीं मुझे मैंने कहाँ रख दी है, और कुछ ज़्यादा ही हेवी था वो, उसे डेली वेज के लिए मैं नहीं यूज़ कर पाती थी। बहुत ज़्यादा पिंक था और वो एक ही लेयर लगाने पे बहुत ही ज़्यादा लगता था, जो ऑफिस के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है। तो मैं उसे रख दिया था कि मेरे घर शादी थी तो मैं उसमें उसे लगाने वाली हूँ, तो मुझे मिल नहीं रही है वो। तो मैं इसकी स्वॉचेस भी आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसकी स्वॉचेस आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट कोट है, ये फर्स्ट लेयर है, बहुत सही है डेली वेज के लिए फर्स्ट लेयर है। और मैं इसकी डबल लेयरिंग लगा के आपको दिखाती हूँ। मैंने 4 टाइम्स किया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा है। मैंने 4 लेयर इसकी लगाई है और ये सिंपल 1 लेयर है, तो बहुत ही अच्छा ये कलर दे रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये था कुछ रिव्यू एलेटिन कलर पॉप मैट लिपस्टिक का रिव्यू। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा रिव्यू। और नेक्स्ट आप कौन से और रिव्यू आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो तो मैं फटाफट वो वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।